अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन कि हम क्या करेंगे क्या नहीं, आपके साथ ईच एंड एवरी स्टेप शेयर करने वाले। लाइक कोई जैसे कोई प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं, जैसे कोई, यार मैं कहना क्या चाहती हूँ, ओ माय गॉड। अच्छा यार, सब मतलब आपके साथ आज जो करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, सुबह की नमाज़ पढ़ के फजर की मैं दोबारा सो गई थी, और उसके बाद मैंने हिजाब को उठाया था, हिजाब नहीं थी, घर के काम किए होंगे, आई थिंक फातिमा उठ के जा चुकी है। अभी मैं ये कमरा सारा समेटूंगी, ठीक है, समेटने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोग क्या करते हैं जी। इधर मैंने सबसे पहले अपने बालों को समेटा, उनको अच्छे से कवर किया ताकि जल्दी से अपने काम निपटा सकें। आज फ्राइडे था, सारी बेडशीट जौन सी थी उनको वॉश करना था, क्योंकि फ्राइडे के फ्राइडे मेरी रूटीन है कि मैंने बेडशीट जौन सी वो चेंज करनी होती है, उनके नीचे वाले जो कवर्स होते हैं उनको वॉश करवाना होता है, क्योंकि हमने डेली में इस पर सोना होता है, यूज़ करना होता है, तो फिर फेस भी रखना होता है, तकिया वगैरह जौन से होते हैं कवर्स, तो अगर जिसकी वजह से अगर जम्स होते हैं फिर हमारे फेस पर एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसकी वजह से मेरी ये रूटीन है कि मैंने फ्राइडे के फ्राइडे ये काम जरूर लगे हाथों करने होते हैं। तो अभी मैंने अभी उसका जो कवर था, खैर वो मुझसे अकेली से बैठ का नहीं उतर सका था क्योंकि थोड़ा वजनी था वो मैट्रेस। तो अभी फिर मैंने जब मैं बाहर आई तो हिजाब और हतीम लेटी हुई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इनको दिखाऊं, क्योंकि बच्चे अब अपने कंफर्टेबल जोन में लेटे हुए थे। तो फिर मैंने जल्दी से, ये मेरे हाथ में हतीम का फीडर था, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये थोड़ा सा दूध है मुझे अच्छा नहीं लगा मैं इसको ज़ाया करूँ, तो मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे था ये फिर मांगेगी तो मैं इसको दे दूँगी। अभी मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ, और पानी मैंने पीने के बाद फ़ौरन ही दोबारा हिजाब और हतीम को बोला चलो भी आओ मेरे साथ। बोला तो मैंने हिजाब को था, लेकिन हतीम भी मेरे साथ छोटे छोटे काम करवाती है। जब भी ना उसे आदत है कि जब भी मैं घर के काम कर रही हूँ तो उसको आदत होती है कि वो ना मेरे साथ छोटे छोटे काम करवाती है। जैसे अभी वो मुझे कह रहे थे मामा भी साथ बेडशीट बिछाऊंगी, चाहे वो एक कोना पकड़ ले, उसको ये होता है चलो, मैं कहती हूँ इसी तरह बच्चे को शायद काम करने की आदत पड़ती है, मैं भी कहती हूँ चलो ठीक है आप कर लो, इससे वो जिद भी नहीं करती है, रोती भी नहीं है, तो साथ हेल्प भी हो जाती है, वो अपनी तरफ से सेटिस्फाई होती है कि उसने मामा की भाई हेल्प करवा दी और खुश होती है। और इधर उसने भी कैमरा देख लिया था, फ़ोन लगा हुआ था, उसने कहा मामा मेरी पिक्चर बन रही है, मेरी वीडियो बन रही है, बस वो देखने लगी थी और कैमरे में आके अजीब अजीब सी शरारतें कर रही थी, अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, दिखा रही थी क्या कर रही थी, क्या कुछ बोल रही थी। तो यार तू कितना ड्रामा है कसम से, ये मेरा व्लॉग है, ठीक है, ये मेरा व्लॉग है, ये मैं बनाऊंगी, आप कैमरे में घुसी जा रहे हो, घुसी जा रहे हो, घुसी जा रहे हो, नहीं ये मेरा व्लॉग है, इसे मैं बनाऊंगी, इसे मैं ही एडिट करूंगी, जब बड़े हो जाओ तो आप बना लेना, चलो अभी जाओ, अभी ये मेरा है, मैं बात करूंगी, आप मेरे व्लॉग में बार बार घुस रहे हो, क्यों क्यों घुस रहे हो? हमें कुछ ना कुछ बोलते हैं, अगर नहीं बोलो तो वो ऐसे देखते नहीं है, समझ आई समझ आई समझ आई, निकलो यहाँ से। मैं फेस वॉश करके आई थी तो हिजाब और हतीम फातिमा बैठी हुई थी, फिर मैंने कहा बच्चे डस्टिंग कर लो, वो जल्दी से डस्टिंग करना शुरू कर दी उसने कमरे की डस्टिंग करने के बाद, फिर मैंने थोड़ी देर बैठी हुई, इसके बाद फिर मैंने नीचे जाना था, क्योंकि अब मैं जितने भी नीचे के जो क्लिप्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ इतने ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है क्लाइंट्स की मतलब कुछ अनकम्फर्टेबल नहीं होते, अनकम्फर्टेबल होते हैं, पसंद नहीं करते हैं व्लॉग्स में कैमरा में आना, सोशल मीडिया पर आना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब देखूँगी, अगर तो मुझे थोड़ी किसी ने दे दी तो मैं उसके साथ थोड़ा सा व्लॉग बना लूंगी, अगर नहीं तो खैर मैं अभी जब भी जाऊंगी तो जारी बात क्लाइंट से मिलना होता है, डील करना होता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि बना सकूं, अगर नहीं बना सकी तो भाई माजरत है, क्योंकि क्लाइंट्स को मैंने आपको बताया कि पसंद नहीं होता है कि हम उनके साथ इस तरह कैमरे पे लेके आए, तो क्या करें। अच्छा ये एक क्रीम थी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए, ये बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड है, आप यूज कर सकते हैं। और अभी इसके बाद फिर
मैंने नाश्ते के लिए थोड़ा सा ये रात का बची हुई कढ़ाई पड़ी थी, मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला ताकि ये गर्म भी हो जाए और सही हो जाए, ठीक है। और साथ में मैंने टिक्कियाँ वगैरह जो थी, चिकन और आलू की टिक्कियाँ थी, मैंने साथ में वो बना के तो उनको बना के तो उसे फ्राई कर रही थी, ताकि इस तरह ही होता है कि हतीम फातिमा ना खाना अच्छा खा लेती है, उसे ये होता है कि चलो अभी दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, दो तीन डिशेज हो जाए ना तो बच्चा अच्छे से ईजी होकर खा लेता है। मैंने होता चलो कोई नहीं, वो थोड़ा सा पेट भर के खाना खा ले, तो मैंने उसके लिए चाहे उसने थोड़ा खाना होता है लेकिन मैंने उसके सामने चॉइस रखनी होती है, ताकि वो कुछ अपनी मर्जी से मुझे बताए उसने किसके साथ खाना है किसके साथ नहीं खाना। तो मुझे कहती मम्मी मैंने इसके साथ नवाला लेना है, इसके साथ नहीं लेना है। इसके बाद मैंने हतीम को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने अपने जो उनसे वो साथ ही बर्तन वॉश कर लिए थे और जो भी था, ताकि मेरा किचन जो सा वो नीट हो सके। और इसके बाद फिर जुम्मा था आज, तो नमाज थी जो जोहर की नमाज पढ़ी है। नमाज एक्चुअली मैंने ये सिर्फ जब चार फर्ज पे पढ़े थे तो बस वही रिकॉर्ड किया था, मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था पर्सनली कि मैं नमाज पढ़ते हुए खुद को मतलब रिकॉर्ड करूं, तो मैंने फिर और ये कुरान पढ़ते हुए मैंने सिर्फ ये भी इसलिए पार्ट रिकॉर्ड किया था ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, क्योंकि कहते हैं जुमे वाले दिन सूरते काफ पढ़ने से जुमे के जुमे तक अल्लाह ताला की आप हफाजत में रहते हो, तो आप भी कोशिश किया करो कि आप हर फ्राइडे सूरते काफ पढ़ लिया करो। मेरे पास टाइम हो नहीं हो, मेरी पूरी रूटीन होती है कि मैंने हर जुमा जितना मर्जी मैं बिजी हो जाऊँ मैंने हर जुमा टाइम निकाल के सूरते काफ पढ़नी होती है। तो इधर हतीम को भी अल्लाह पढ़ना था, वो भी पढ़ रही थी। और अच्छा मुझे बहुत होता था ये कहीं पाँव में ना गिरा दे, कहीं नीचे ना गिर जाए, ये हीरे आज़म थे, इस पे भी अल्लाह का नाम था। तो मैं इसी बार मैंने इसको कोई एक वहाँ से बुक निकाल के इसके बाबा की इसके बाद दे दी थी और इसका ये वही अल्लाह का कायदा और नाम बना दिया था, क्योंकि हिजाब पढ़ती है ना सिपारा, तो इसको ये होता है कि मैं भी पढ़ू। अभी इसको मैंने इधर सुला दिया, ये इधर सो रही थी और फिर मैंने नीचे जाना था, अभी नीचे कुछ क्लाइंट्स थे उनसे मिलना था, थोड़ा सा कुछ रश था, तो फिर मैंने साथ खुद मैंने कहा चलो हेल्प करवा देती हूँ, और अब कुछ इनको जल्दी भी थी तो एक तरफ उनकी आईब्रो बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने कहा चलो हम वैक्स वगैरह कर देते हैं, तो मैं उनकी वैक्स कर रही थी और इनके फेस पे भी मैंने स्टिकर कार्टून लगा दिया था ताकि इनका फेस नहीं आ सके। मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ा बहुत तो क्लिप शेयर कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, तो इसकी वजह से फिर मैंने कहा चले इसको मैंने थोड़ा सा एक तरफ फ़ोन करके रख दिया था और क्लिप्स मैंने कहा आपके साथ थोड़े से शेयर हो जाएंगे। अभी इनका इधर हमने काम ख़त्म किया था, काम ख़त्म करने के बाद मैं जब ऊपर गई तो हतीम फातिमा को मैंने उठाया, असर की नमाज का टाइम हो रहा था, नमाज पढ़ी, वो हिजाब पढ़ी थी तो उसके साथ मेरा बेटा भी नमाज पढ़ रहा था। इस तरह के ना बच्चों को मुझे लगता है छोटी छोटी एक्टिविटीज लाइक नमाज, कुरान और दूसरे भी सारे काम बताने चाहिए, इससे बच्चे को ना आदत पड़ती है। खैर उसे प्रॉपर पढ़नी तो नहीं आती है लेकिन वो कोशिश करती है कि वो साथ जिस तरह भी कभी लेट जाती है, कभी प्रॉपर सजदा देती है, उसकी अपनी मर्जी होती है, तो मैं उसको बार बार टोकती नहीं हूँ ताकि ये इजी हो, कि जैसे इसको इजी लग रहा है, अभी वो छोटी है तो अल्लाह ताला उसे गुनाह भी नहीं देंगे, तो वो पढ़ती रहे, ठीक है। और अभी इधर हिजाब के सपारे का टाइम था, उसको हिजाब को सबक दे रहे थे, सपारा पढ़ रहे थे इसके साथ ही, इसके बाद शाम की चाय थी और असर के बाद मैंने जो नमाज के बाद मेरी रूटीन होती है कि मैं थोड़ी सी चाय पी सकूँ ताकि थोड़ा सा मुझे मैं लगता है मैं फ़्रेश मुझ में एनर्जी आ गई, मैं फ़्रेश फील करने लगती हूँ, तो मैंने उस टाइम चाय पीनी होती है। तो इधर भी फिर जब हम लोग चाय पी रहे थे तो उसमें बिस्किट्स वगैरह थे, इधर हतीम फातिमा पास हुई थी मामा के, और ये मैडम जनाब क्या कर रही थी, इनकी अपनी ही कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इसने फिर ग्लास लिया बिस्किट्स को उसके अंदर डिप कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी हिजाब। मैंने कहा मुझे होता है कि नहीं चलो बच्चा थोड़ा सा भी ये देखें किस तरह, मैं कहती हूँ चलो बच्चा थोड़ा घन तो डलता है लेकिन ये होता है कि बच्चा की बच्चे की थोड़ी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, बच्चा थोड़ा जिद नहीं करता है, एक दो दफ़ा करेगी वो फिर खुद ही नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी, इसके बाद वो नहीं करेगी। तो अभी उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठ के इधर शाम का वो जो खाने के लिए कुछ करना था, इधर मैंने मीठे में फ्रूट क्रीम बना रही थी, क्रीम चाट सॉरी वो बना रही थी, और थोड़ी सी आइसक्रीम डालकर कुछ फ्रूट्स डाल के, और साथ में मैंने पुलाव करना था तो उसका था, हम अभी पुलाव का भी साथ ही मैंने कर लिया था, यखनी पुलाव बनाया था। हमारी माएँ माशाल्लाह सब इतना अच्छा यखनी पुलाव बनाती हैं, तो आप इसकी रेसिपी उनसे पूछ सकती हैं। पुलाव को दम पे रखने के बाद मैंने फरहान के आने से पहले सोचा कि शावर ले चुकी थी ताकि मैं ना अच्छे से अच्छी मतलब मुझे होता है कि जब घर आए तो मैं कम से कम तैयार हो के उन्हें मिलूँ, ये नहीं कि मैं भी सारे दिन की थकी हारी और कपड़े भी गंदे हों और सारा
मतलब मैं ऐसी हर चीज़ों नहीं, मुझे होता है हर नहीं खाना बनाने के बाद मैंने थोड़ा शावर लेना होता है ताकि पसीना वगैरह किचन में आपको पता है आजकल कितना आता है, तो इससे थोड़ा मतलब खुद को इंसान को फील होता है कि वो बहुत फ्रेश हो गया है, चाहे वो कितना भी थका हो एक दफ़ा वो शावर ले ले, कुछ अच्छे कपड़े पहन ले और तो उसे लगता है कि नहीं भई अब वो फ्रेश हो चुका है। और मेरी रूटीन है कि मैंने ना सुबह के वक्त मेरी मैं नहीं नहाती हूँ, मैंने शाम के वक्त ही शावर लेना होता है क्योंकि मेरे एक तो बाल लंबे हैं, फिर मैंने घर के काम करने होते हैं, नीचे भी काम करना होता है, तो मैं कहाँ बाल खोल के तो इधर ऊपर नीचे भागती, फिर ऊपर से इतनी गर्मी होती है, तो मैंने मेरी रूटीन है कि मैंने भाई शाम के जब सारे घर के काम कर लिए, खाना बना लिया, तो मैंने शाम को शावर ले लिया ताकि मैं खुद को फ्रेश फील कर सकूँ और वो जो पसीने वगैरह स्वेटिंग वगैरह होती है उसका भी इशू नहीं रहता है। आप ही ट्राई करिएगा कि रात को सोने से पहले आप शावर ले लें, आप खुद को कितना हल्का फुल्का और अच्छा रिलैक्स फील करेंगी। तो अभी खैर शाम के बर्तन थे जो वो उन्हें मैं वॉश कर रही थी, उनको किचन पूरे को सारी अच्छे से नीट करना था, साफ़ करना था। मैंने रात के खाने के जो बर्तन होते हैं वो रात को ही सारे वॉश करने होते हैं, ताकि मेरी मम्मी कहती हैं कि अच्छा होता है कि अगर आप अपना रात को सारा किचन समेट के सो जाओ। तो अभी मैंने खैर ये फ्राइडे वाले दिन व्लॉग शूट किया था, लेकिन अब मैं 3 दिन के बाद इसे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी है। इसके साथ ही आज के दिन का एंड करते हैं, आज के व्लॉग का एंड करते हैं दिन का, कह रही हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।